दोस्तों, मैं जब एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर रहा था तो इसी तरह से ओपन हो रहा था। यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख दे रहा था, बाकी पूरा ये जो पेज है दोस्तों पूरा सादा दिखा रहा है, कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, कुछ भी एरर वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा था। तो मैंने इसे क्या किया दोस्तों, मात्र 10 मिनट के अंदर ठीक कर दिया। ये देखो दोस्तों, अब मेरा इंस्टाग्राम जो है स्मूथली वर्क कर रहा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर दोस्तों, जब मेरे इंस्टाग्राम पे वाइट पेज दिखा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया आज के इस वीडियो में, यह दोस्तों पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो अगर जब चैनल पर नए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैंने ठीक कैसे किया, पहला जो मेरा प्रोसेस था वो मैंने क्या किया, मैं पहले देखा तो घबरा गया, कहा यार ये क्या हो गया मेरे इंस्टाग्राम में। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अपने मोबाइल का जो फाइल मैनेजर होता है ना उसमें गया, यहाँ पे देखो माई फाइल लिखा है ना, मैंने क्या किया इसमें गया दोस्तों, फाइल मैनेजर में गया। और फाइल मैनेजर को ओपन जब किया दोस्तों ना, ओपन करने के बाद मैं क्या किया, मैं कहा कि जरूर ना कुछ फ़ोन में ही दिक्कत है। फिर मैं नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिला फ़ोन स्टोरेज करके मुझे, तो मैं फ़ोन स्टोरेज में गया। ठीक है, फ़ोन स्टोरेज पे मैं जब क्लिक किया तो मेरे सामने बहुत सारे फाइल हैं। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, मैंने कोई भी फाइल बहुत दिन से डिलीट नहीं किया था। तो ये जो एंड्रॉयड नाम का जो फाइल है दोस्तों, आप तो एंड्रॉयड ही फ़ोन चलाते हो, आपको पता ही होगा। तो ये जो एंड्रॉयड फाइल है ना दोस्तों, ये आपको हर मंथ में एक बार डिलीट करना पड़ता है। यह हर एक मोबाइल की सेफ्टी की बात होती है, अगर जो आप हर मंथ में इसे डिलीट नहीं करोगे ना, तो आपके मोबाइल में कोई ना कोई ऐप हो वो दोस्तों एरर हो जाएगा, उसमें बग आ जाएगा, वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो एंड्रॉयड वाला फाइल है दोस्तों, पहले मैंने इसे डिलीट कर दिया, आपके सामने इसे डिलीट कर दिया। और रही बात दोस्तों, इस एंड्रॉयड फाइल में कुछ भी नहीं रहता है वायरस के सिवाय, सिर्फ और सिर्फ इसमें वायरस भरा रहता है। तो इस फाइल को आप फटाफट डिलीट कर दो। इस फाइल को डिलीट करने के बाद दोस्तों, आपको जो दूसरा काम करना है मैं बताता हूँ। दूसरा, यहाँ पे बैक चलते हैं हम, यहाँ पे मैंने बैक गया। बैक जाने के बाद दोस्तों, आप देखोगे अपने फाइल मैनेजर में ही एक ऐप्स नाम का फाइल रहेगा आपका, ऐप्स नाम का। तो आपको इसे ओपन करना है। इसे जब आप ओपन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे ऐप रहेंगे जो कि इंस्टॉल आपके मोबाइल में ऑलरेडी रहेंगे, लेकिन फाइल में भी वो रहेंगे। तो दोस्तों, इंस्टॉल कर लियो तो उसे फाइल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो एक बार आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, होम पेज पे वो ऐप दिखने लगा, तो यहाँ पे वो रहे या ना रहे, वो होम पेज पे आपके रहेगा ही। तो यहाँ पे जितने ऐप आपको दिखेंगे, उन सारे ऐप का जो फाइल है, उस फाइल को डिलीट कर देना है। फाइल को आप डिलीट करोगे तो ये मत सोचो कि आपका ऐप डिलीट हो जाएगा, आपका ऐप आपके मोबाइल में रहेगा, बस उस फाइल को आपको डिलीट करना है। ये दो काम करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को नेट ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों, अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है, फिर स्विच ऑफ 10 मिनट के बाद खोल लेना है। उसके बाद दोस्तों, जब आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करोगे ना, तो आपका इंस्टाग्राम स्मूथली चलने लगेगा, कोई भी दिक्कत आपके इंस्टाग्राम में नहीं रहेगा। बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि एंड्रॉयड वर्जन ज़्यादा वायरस हो जाने के कारण कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बग चलने लगता है। आज इंस्टाग्राम ठीक होगा तो कल यूट्यूब पर बग आ जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों, आपको ठीक कर लेना है, बस यही है, कुछ खास नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बस एंड्रॉयड वर्जन भर गया है। इसीलिए बस एक बार एंड्रॉयड फाइल उड़ाओ, मोबाइल को स्विच ऑफ करो, मोबाइल को दोबारा से ऑन करो, आपका इंस्टाग्राम स्मूथली चलने लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।